देखिए निर्भया केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। मुकेश की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया। कल सुप्रीम कोर्ट अब इस पर फैसला सुनाएगा। मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में दया याचिका को चुनौती दी थी। राष्ट्रपति के पास से जब दया याचिका खारिज हो गई थी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका को मुकेश ने दाखिल किया। अब उस पर फैसला सुरक्षित है और कल सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। अवैध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवैध का रुख कर लेते हैं। अवैध फैसला सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन जब मुकेश ने अपनी याचिका दाखिल की थी अपने कुछ स्टेटमेंट भी दिए थे, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी और कैसा उसके रुख में फैसला हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत ही गंभीर आरोप जो है वो आज जब जिरा हो रही थी उस दौरान दिल्ली जेल प्रशासन के पर लगाए गए और यहाँ तक आज उसका मुकेश का सेक्सुअल हैरेसमेंट था उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और जेल प्रशासन ने उससे कहा कि दूसरे कैदी के साथ मतलब इस तरह के संबंध बनाए वो ताकि उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सके। उसके ऊपर भी जब एसजी आए तो उन्होंने कहा इस तरह का भी अगर कुछ घटनाक्रम हो जाए तो उस दौरान उस वक्त ही उसको जो है पुलिस में जाना चाहिए था और अपनी कंप्लेन कोर्ट में करनी चाहिए जब भी उसको पेशी की जाए। अगर पीड़ित ये चाहता है कि उसको इस तरह के फर्जी आर्गूमेंट के आधार पे थोड़ी दया मिल जाए तो ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही घिनौना काम किया। आप एक जान का ही मामला है मगर आपने एक व्यक्ति की जान ली है, उसके बाद फिर आप कैसे रहम की जो है वो मांग सकते उम्मीद कर सकते हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले में लगभग 2 घंटे आज के आसपास सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और कल 10:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट इस मामले फैसला सुना सकता है। जी अवैध, जो कुछ दलीलें दी गई है मुकेश की वकील की तरफ से, जो वकील थी उनकी, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। अब इसके मद्देनजर देखिए कल फैसला भी आना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।